नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सोनभद्र जिले से। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र के प्रीत नगर से एसटीएफ और चौपन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 क्विंटल गांजा पकड़ा गया। गांजे के संख्या तस्कर एक ट्रक व एक ब्रजा गाड़ी भी पकड़ी गई, जबकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि गांजे की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। दरअसल एटीएस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से तस्करी कर गांजे की बड़ी खेप सोनभद्र में लाई जा रही है और यहां से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पहुंचाया जाना है। इसको देखते हुए एसटीएफ और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। वहीं एसटीएफ के द्वारा खंगाली गई जानकारी में यह निकल कर सामने आया है कि मिर्जापुर निवासी अवधेश पांडे की सरपरस्ती में यह गांजे का खेप मिर्जापुर जिले तक ले जाया जाना था, जबकि यूपी एसटीएफ सरगना की तलाश में जुटी हुई है। 4 राज्यों की सीमाओं से सटा होने के कारण उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से होकर मिर्जापुर, बनारस, चंदौली सहित कई जिलों के लिए गांजा और शराब की तस्करी के लिए तस्करों को यह रूट मुफीद समझ आता है, जिसके कारण इस क्षेत्र से होकर अक्सर तस्करी की जाती है और पुलिस के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में कभी तस्कर पकड़े जाते हैं तो कभी तस्करी को अंजाम देने में सफल भी रहते हैं। जनपद में 2 बार से गांजे की बड़ी खेप एसटीएफ और पुलिस के द्वारा पकड़ा जा रहा है, बावजूद इसके तस्करी पर लगाम लगता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा तस्करी करने वाले तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर और संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है।